हेलो एवरीवन मेरा नाम है मंथन मिश्रा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं हाउसकीपिंग का पहला चैप्टर सो द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस आर फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन दैट व्हाट इज हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट सेकंड इज योर इम्पोर्टेंस ऑफ हाउसकीपिंग लाइक हाउसकीपिंग क्यों ज़रूरी है थर्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस डिपार्टमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हाउस डिपार्टमेंट की फोर्थ इज योर डिफरेंस बिटवीन फ्रंट ऑफ़ द हाउस एंड बैक ऑफ द हाउस फिफ्थ इज़ योर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दैट वॉट आर द हरार्कीज क्या क्या हरारकी हैं उसकी सिक्स इज योर पर्सनल एट्रीब्यूट ऑफ हाउस कीपिंग पर्सनल या स्टाफ की हाउस कीपिंग पर्सनल बनने के लिए आपको क्या क्या विशेज चाहिए एबिलिटीज चाहिए क्या और क्या क्या होनी चाहिए सेवेंथ इज योर कॉर्डिनेशन विथ अदर डिपार्टमेंट्स की आपका हाउस कीपिंग का कौन कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट से अच्छा कॉर्डिनेशन होना चाहिए सो so, लेटस प्रोसीड सो लेट एस डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ वॉट इज हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट और इंट्रोडक्शन ऑफ हाउस कीपिंग सो आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप सबसे पहले वहाँ की साफ़ सुथरा नोटिस करते हैं कि वो कितनी साफ़ सुथरी जगह है और उसके हिसाब से आप उसको रेट करते हैं और होटल में साफ सफाई कौन मेंटेन करके रखता है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट सिंपल सो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लीनलीनेस के लिए साफ सुथरा के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए अगर कुछ टूट जाता है तो उसको सही कराने के लिए एंड एस्थेटिक अपकीप एस्थेटिक मतलब सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ें तो एस्थेटिक अपकीप ऑफ रूम्स पब्लिक एरियाज बैक बैक रूम बैक एरियाज एंड द सराउंडिंग ऑफ होटल हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को अपने आप पे बहुत प्राउड रहता है क्योंकि वो गेस्ट को फील कराते हैं घर से दूर वाला घर वो होटल को इतना अच्छा साफ करते हैं कि जब गेस्ट अपने घर से आता है तो उसको ऐसा फील हो कि ये भी मेरा घर ही है जो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है उसको होटल का दिल कहा जाता है जैसे कि जो आपका दिल है वो खून को साफ करता है वैसे ही हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट आपके चप्पे चप्पे पूरे होटल को साफ़ करता है पूरा अच्छा अच्छा अच्छे से साफ़ करता है एंड उस होटल को फ्रेशन अप करता है उसको इन्वेगोरेट करता है इनवेगोरेट मतलब उसको मजबूत करता है डे इन एंड डे आउट सुबह से लेके शाम तक एंड जो हाउस कीपिंग है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ ऑफ द होटल अगर साफ सुथरा रहेगा तो ऑब्वियसली सब हेल्दी रहेंगे सब एम्प्लॉयज भी हेल्दी रहेंगे सो so होटल भी अच्छा चलेगा सो नाउ पीपल डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग लाइक आपका हाउस कीपिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है जो आपका हाउस कीपिंग है वो आपका कंफर्ट बना के रखता है गेस्ट का जैसे कि अगर गेस्ट को कुछ साबुन चाहिए एक्स्ट्रा पिलो एक्स्ट्रा बेड जो भी चाहिए तो उसको मेनटेन करता है एंड उसकी स्टे को कम्फर्ट बना के रखता है सेकेंड इज़ योर क्लीनलीनेस एंड हाइजीन लाइक like, अच्छे से क्लीन करके रखता है एंड हाइजीन मेंटेन करता है थर्ड इज़ योर प्रिवसी किसकी गेस्ट की प्रिवेसी मेंटेन करके रखता है फोर्थ इज़ योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गेस्ट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बना के रखता है एंड फिफ्थ इज योर डेकोर कि आपके हो आपके रूम में सब एकदम परफेक्टली प्लेस्ड रहते हैं एकदम सुंदर डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट कि हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के क्या क्या कर्तव्य होते हैं फर्स्ट गेस्ट की केयर करना एंड उनकी नीड्स को पूरा करना जैसे कि अगर गेस्ट मांगता है एक्स्ट्रा बेड या एक्स्ट्रा सोप तो उसको पूरा करना जिससे कि डिपार्टमेंट का स्मूथ रनिंग चलते रहे सेकंड इज़ योर फ्रंट ऑफिस के साथ एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना हम इसी इसी वीडियो में पढ़ेंगे आगे कि हाउस कैसे कोऑर्डिनेट करता है विथ अदर डिपार्टमेंट्स सो थर्ड इज़ योर क्लिनलीनेस एंड हाइजीन को मैंटेन करके रखना फोर्थ इज़ योर रूम्स में ललिन प्रोवाइड करना जैसे कि एक्स्ट्रा बेड हो गया और नैपकिनस हो गए सो so ये सब प्रोवाइड करना एंड उसका स्टोर मेंटेन करके रखना कि अगर ख़त्म हो जाता है तो उसका बैकअप तैयार रहे नेक्स्ट आता है कि एम्प्लॉयज़ को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना साफ़ धो साफ सफाई करके एंड फ्रेस फ्रेस करके एम्प्लॉयज़ को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना इसके बाद आता है फ्लोरल डेकोरेशन करना जो होटल में जो फूल वूल सजे रहते हैं वो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट देखता है उसके बाद आता है लॉस्ट एंड फाउंड को केयर करना लाइक like, जैसे कि अगर कोई गेस्ट को छोड़ जाता है अपना आर्टिकल छोड़ जाता है क्योंकि सामान छोड़ जाता है तो उसको हैंडल करना उसको फिर गेस्ट उसको गेस्ट से कॉन्टैक्ट करना उसको वापस देना ये सब सो नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एफ़ ओ एच एंड बी ओ एच एफ़ ओ एच इज़ योर फ्रंट ऑफ़ द हाउस एंड बी ओ एच इज़ योर बैक ऑफ़ द हाउस जो आपका फ्रंट ऑफ द हाउस होता है एफ़ ओ एच जो होता है उसका गेस्ट के साथ कॉन्टैक्ट रहता है जैसे कि रिसप्शन हो गया जैसे कि बार हो हो गया लॉबीज़ हो गए कॉरिडोरस हो गए पब्लिक एरिया हो गया पूल हो गया एंड एसेट्रा एंड जो बैक ऑफ द हाउस होता है वहाँ पर गेस्ट का इंट्रैक्शन नहीं होता है जैसे कि स्टोरेज हो गया एंड अकाउंट ऑफिस हो गया एंड मैनेजमेंट मैनेजर्स ऑफिस हो गया तो वहाँ पर गेस्ट नहीं आते हैं सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस सो नाउ वी विल डिस्कस द ऑर्गनाइजेशन चार्ट ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट तो हम वेरी जनरल पढ़ेंगे मतलब इसका बहुत जनरल कैटेगरीज पढ़ेंगे सो एक्चुअली ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं फर्स्ट है आपका मैनेजरल लेवल सो इसमें आपके आते हैं एच ओ डी एंड हैड हाउस कीपर एच ओ डी मतलब हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हाउस कीपिंग मैनेजर सेकेंड कैटेगरी आती है आपकी सुपरवाइजरी लेवल सो इसमें होता है असिस्टेंट हेड हाउस कीपिंग मैनेजर एंड ऑल टाइप्स ऑफ सुपरवाइज़र जैसे कि आपका लिले सुपरवाइज़र हो गया लॉन्ड्री सुपरवाइज़र हो गया पब्लिक एरिया सुपरवाइज़र हो गया एंड एक्सेट्रा थर्ड आता है आपका अनस्किल्ड अनस्किल्ड में आपके रूम अटेंडेंट्स आ जाते हैं एंड हाउस हाउस पर्सन आ जाते हैं एंड जो सुपरवाइज़र से नीचे होते हैं

सेकेंड इज़ योर फिज़िकल फिटनेस हाउस कीपिंग इज़ नॉट एन ईजी डिपार्टमेंट सो इसमें बहुत मेहनत लगती है सो so, इसलिए उनकी फ़िज़िकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए थर्ड इज़ योर पर्सनल हाइजीन वो साफ़ सुथरे रहने चाहिए फोर्थ इज़ योर मेमरी मेमरी पावर अच्छी नहीं चाहिए कि मैंने ये रूम साफ़ कर दिया है अब मेरे को नेक्स्ट कौन सा रूम साफ़ करना है फिफ्थ इज़ योर अडाप्टेबिलिटी कि अडाप्ट कर पाए चीज़ों को कि अगर ये काम भी करना है मुझे तो उसको कुछ ऐसा लगे नहीं कि अडाप्ट कर लेगा ठीक है आई कैन डू इट नेक्स्ट इज़ योर ऑनेस्टी ऑनेस्टी इन दैट सेंस कि अगर हाउस कीपिंग स्टाफ को कुछ रूम में कुछ गेस्ट का सामान मिलता है तो वो उसको हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट करे वो अपने साथ ना ले जाए सो दीज आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ हाउस कीपिंग स्टाफ्स सो लेट इस डिस्कस द कॉर्डिनेशन ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट विथ अदर कोर डिपार्टमेंट्स सो नाइन्टी नाइन परसेंट पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट विद फ्रंट ऑफिस एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के साथ हाउस कीपिंग कैसे कोऑर्डिनेट करता है क्या होता है जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट होता है वो एक रात में ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट बनाता है लाइक बारह बजे रात के उसमें इंफॉर्मेशन रहती है कि कल आने वाले कल में टुमारो में कौन सा गेस्ट कितने बजे चेकआउट करने वाला है कौन सा रूम चेकआउट करने वाला है तो क्या होता है कि वो अपडेट कर देते हैं सॉफ्टवेयर पे एंड जब नेक्स्ट डे वो लोग देखते हैं जब हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट देखता है तो उसको पता रहता है कि ये वाला रूम खाली होने वाला है इस समय पे तो हम अपना काम वहाँ पे जाके साफ सफाई कर सकते हैं एंड साफ़ सफाई होने के बाद हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट अपडेट कर देता है सॉफ्टवेयर पर कि ये रूम साफ़ हो गया है एंड फ्रंट ऑफिस किसी और गेस्ट को वो रूम दे सकता है सिंपल सो नेक्स्ट हम करते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट विथ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ये बहुत सिंपल है ये क्या होता है कि जब स्टाफ जो होता है हाउसकीपिंग स्टाफ अगर वो पा पाता है कि कुछ टूट गया है रूम में या किसी चीज़ की रिपेयर की ज़रूरत है तो वो कंट्रोल डेस्क बताता है कंट्रोल डेस्क ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम है कुछ भी गेस्ट से रिलेटेड कुछ भी है रूम से रिलेटेड तो वहाँ आप पे आपको इन्फॉर्म करना होता है वो वहाँ पे बताता है कि इस रूम में ऐसा ऐसा हो गया है तो जो कंट्रोल डेस्क है वो तीन फॉर्म भरता है एक ही फॉर्म होते हैं पर वो तीन कलर के होते हैं सो so, भरता है जिसमें से जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो जाता है एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को सेकेंड फॉर्म जो होता है वो जाता है चीफ इंजीनियर को थर्ड जाता है ट्रेड पर्सन को ट्रेड पर्सन मतलब होता है आपका मिस्त्री जो काम करता है वहाँ पे सो so, जब मिस्त्री अपना काम कंप्लीट कर देता है तो वो अपना स्लिप जो होता है अपना साइन के साथ वो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को दे देता है सिंपल ख़त्म और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं वर्क ऑर्डर फॉर्म क्या बोलते हैं वर्क ऑर्डर फॉर्म नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट विथ स्टोर स्टोर से कैसे डिपार्टमेंट को कैसे को रिलेटेड होता है कि अगर कुछ सामान ख़त्म हो गया और उसको स्टोर से सामान चाहिए तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है वो कंट्रोल डेस्क बताता है एंड कंट्रोल डेस्क क्या करती है एक स्टोर रिक्वेजेशन फॉर्म भरती है एंड उससे स्टोर से सामान ले लेती है कौन सा फॉर्म भरती है स्टोर रिक्वजेशन फॉर्म ये कुछ कुछ ऐसे फॉर्म्स है ना आप इसको बस नाम याद रखिए और आप एग्ज़ाम में लिखेंगे ना तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे सो कॉर्डिनेशन ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट विथ परचेज डिपार्टमेंट सो परचेज डिपार्टमेंट के साथ कैसे होता है लाइक like, अगर हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट को लगता है कि गेस्ट किसी नई चीज़ की मांग कर रहे हैं एंड हमारे पास नहीं है तो वो परचेज डिपार्टमेंट को बताते हैं जिससे कि आप परचेज करो जिससे कि हम अपने कस्टमर की नीड्स को पूरा कर पाएँ तो हाउस डिपार्टमेंट कौन सा फॉर्म भरता है उसके लिए परचेज़ रिक्वेजेशन फॉर्म एंड वो परचेज डिपार्टमेंट को दे देता है बस सिंपल आई होप कि आपको समझ आया होगा जो मैंने पढ़ाया होप समझ आया होगा सो <laughs> so, अगर आपको समझ आया सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम अकाउंट सो मैं वहाँ पर बहुत must message upload karta so you can go and follow me on that okay and if you have any questions then please do ask in the comment section i will be much more happy to give you the answers of it okay bye bye meet you in next video namaste